नमस्कार, राजदावा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में रविवार को भारी बारिश के बीच वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छत गिर गई। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। 18 जुलाई को पीएम मोदी ने नई इमारत का वर्चुअली उद्घाटन किया था। इस मामले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, पीएम आजकल किसी भी चीज का उद्घाटन कर देंगे, चाहे वह अधूरा या कम गुणवत्ता वाला इंफ्रास्ट्रक्चर ही क्यों न हो। मामले पर सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, स्ट्रक्चर टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर है, यहाँ सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के लिए सीलिंग को ढीला किया गया था, तेज हवाओं के चलते पैनल नीचे गिरा, मरम्मत करवा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जुलाई को इस नए टर्मिनल का वर्चुअली इनॉग्रेशन किया था। 710 करोड़ की लागत से बनाए गए इस टर्मिनल में एक साथ 10 प्लेन पार्क हो सकेंगे। इसका डिजाइन समुद्री सीप जैसा है। उद्घाटन समारोह में पीएम ने लोगों को संबोधित किया। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।